नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपको आज बताने वाला हूँ आपके फायदे की बात, जो कि है Redmi Note 9 के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max ऑलरेडी इंडिया में बजट प्राइस में लॉन्च हो गया है और ये दोनों स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि Redmi Note 9 ये दोनों उनको पछाड़ देगा और सबको चौंका देगा। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं Redmi Note 9 के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। Redmi Note 9 Pro में आपको मिला था 6.47 इंच का डिस्प्ले, लेकिन आपको Redmi Note 9 में आपको मिल सकता है 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि आपको Redmi Note 9 Pro में भी मिला था। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उसके कैमरास की। Redmi Note 9 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया था, वैसा सेटअप आपको Redmi Note 9 में भी मिल सकता है और मिलने वाला है, जो कि है 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा विद 10x ऑप्टिकल जूम, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं, Redmi Note 9 Pro में आपको सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया था, लेकिन आपको इस Redmi Note 9 में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है, जो कि 16 और 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, जो कि सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। इसमें आपको मिलने वाला है MediaTek का TNG 800 5G चिपसेट। 5G चिपसेट मिलने वाला है दोस्तों आपको इस ये फोन में। आपको 5G सपोर्ट भी मिलने वाला है और ये हैरान होने वाली बात है, जो कि आपको एक बजट स्मार्टफोन में 5G सपोर्ट मिलने वाला है। इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिलने वाली है। मुझे लग रहा था कि 5-5.5 हजार के करीब करीब आपको मिलेंगी, लेकिन लीक्स ऐसे आया है कि आपको 4000mAh की बैटरी मिलने वाली है विद 18W चार्जर। इसकी थिकनेस जो है वो 8.1mm है और 184 इसका वेट है, 184 ग्राम, जो कि ये स्मार्टफोन बजट स्मार्टफोन है। तो इसकी प्राइस नियर अबाउट 15,000 मिलने वाली है। 15,000 में आपको 5G मोबाइल मिलने वाला है। और मैंने जितने भी आपको स्पेसिफिकेशन बताया, एक चाइनीज लीक से आए हुए है डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है। और जैसे कि आप जानते हैं, ये वीडियो एक बजट स्मार्टफोन के ऊपर था और 5G सपोर्ट वाले मोबाइल के ऊपर था। तो आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा और कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, इसकी रिलीज डेट अब तक कंफर्म नहीं हुई है, तो मुझे रिलीज डेट भी आपको आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इसकी रिलीज डेट क्या हो सकती है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।